बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू अल मुस्तफा ग्लोबल विलेज। जवाहर मुस्तफा हियर। आज का हमारा लेक्चर इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीरीज का लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हम डाटा रिप्रेजेंटेशन और इनकोडिंग ऑफ डाटा कवर करेंगे। बड़ा आसान सा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कि ये क्या होता है। डेटा रिप्रेजेंटेशन की बात करें कि आपका डेटा किस फॉर्म में कंप्यूटर में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हमें बड़े अच्छे से पता है कि कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली 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 बाइनरी लैंग्वेज। द कंप्यूटर वर्क विद बाइनरी नंबर्स। बाइनरी मींस टू। बाइनरी नंबर्स कंसिस्ट ऑफ ओनली टू डिजिट्स, दीज आर 0 and 1। ईच बाइनरी नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन इलेक्ट्रिक पल्स इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम। One is represented by a pulse of electricity and zero by an absence of a pulse. बड़ी सिंपल सी बात है, हम ये बात तो पढ़ते रहते हैं कि कंप्यूटर आपका बड़ा नलायक है, 0 1 के अलावा कुछ अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की वजह से उसकी सिर्फ दो स्टेट है, ऑन ऑफ। जीरो ऑफ को रिप्रेजेंट कर रहा है और वन जो है ऑन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसीलिए आपका कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दो को रिप्रेजेंट कर सकता है। नेक्स्ट है जी इनकोडिंग। अभी हमने बात कर ली कि कंप्यूटर आपका 0 1 के अलावा किसी और लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, तो आप कंप्यूटर वर्क विद बाइनरी डिजिट्स ओनली, देयरफॉर ऑल डाटा चाहे वो न्यूमेरिक हो चाहे वो नॉन न्यूमेरिक डाटा हो, उसे प्रोसेस करने से पहले हम कन्वर्ट करते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं? हम उसे बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आ स्टेप द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू बाइनरी फॉर्म, दैट इज कॉल्ड इनकोडिंग। अकॉर्डिंग स्कीम फॉर कम्युनिकेशन इज बाइनरी नंबर सिस्टम दैट इज यूज्ड इन कंप्यूटर सिस्टम। द सिस्टम कंसिस्ट ग्रुप ऑफ ओनली टू बिट्स 0 and 1। डाटा रिप्रेजेंट characters, some code use different numbers of bits such as 5, 7, 8, 9, 10। हम इसके लिए different coding scheme use करते हैं। ये बात हमारी हो गई कि computer आपका 0, 1 के अलावा किसी और digit को understand नहीं कर सकता, तो हमने computer को जो भी चीज समझानी है बतानी है वो हम उसे 0 और 1 फॉर्म में ही बताएंगे समझाएंगे, उसके अलावा कंप्यूटर और किसी को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो इसके लिए डिफरेंट कोडिंग यूज होती है। नंबर 1 इज बीसीडी। बीसीडी स्टैंड फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये आपका 4-bit कोड है। अर्ली कंप्यूटर में ये इस्तेमाल होता था क्योंकि ये सिर्फ डिजिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता था। तो बेसिकली इसमें हर डिजिट को 4 bits में रिप्रेजेंट करवाया जाता है। जैसे सिंपल 0 है तो उसे टेट्रा 0 में, 1 है तो वो 00, 0001, 2 है तो उसे बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके 0010, इस तरह ये रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद है जी आपके पास EBCDIC, दैट इज स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, एन 8-bit कोड। ये अच्छा, कितने बिट कोड कितने सिंबल्स रिप्रेजेंट करेगा? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, आप उसे 2's power में लिख लें तो वो हमें पता चल जाता है। तो 8 bits जो कोड है, 2's power 8 इक्वल टू 256। तो 8-bit कोड जो है वो 256 सिंबल्स रिप्रेजेंट करता है। जो स्टैंडर्ड कोड है हमारे पास, दैट इज ASCII, दैट इज स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये 7 और 8-bit कोड था। 7-bit कोड 128 सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है और 8-bit कोड जो है आपके सामने आपको मेंशन है कि वो 256 सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें पूरा एक चार्ट मिलता है जिसमें 65 इक्वल टू कैपिटल ए, 66 इक्वल टू कैपिटल बी, 97 कोड जो है वो स्मॉल ए, और इसी तरह और सिंबल्स के लिए हर एक कोड असाइन किया हुआ है। और जो सबसे लेटेस्ट कोड है, दैट इज यूनिकोड।
यूनिकोड स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल कोड, जो सबसे, क्योंकि देखिए डे बाय डे क्या हो रहा है, डे बाय डे आपके सिंबल्स ऐड होते जा रहे हैं, तो हमें लाजमी बात है हम पुराने कोड्स के साथ वर्किंग नहीं कर सकते, तो हमें डे बाय डे वर्किंग के लिए और डिजिट्स और कोड जो है यूज करना पड़ रहे हैं। तो आपका यूनिकोड जो है ये 256 इनिशियली मूव करता है 8 बिट कोड के साथ ASCII की तरह, लेकिन जो लेटेस्ट आपके पास है तो 16 बिट कोड है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs यहाँ पर कि कितने बिट कोड है जी आपके, 16 बिट कोड है और ये कितने सिंबल्स को रिप्रेजेंट करेगा, अंडरस्टूड है ये 65,000 प्लस सिंबल रिप्रेजेंट करता है, 65536 सिंबल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये थे आपके डिफरेंट कोडिंग स्कीम, तो ये आपके डिफरेंट वेज में यूज होते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, एज सून एज पॉसिबल आपको उसका आंसर दिया जाएगा। मजीद इसे आप वीडियोस के लिए अल मुस्तफा ग्लोबल विलेज चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि जब हम नई वीडियो अपलोड करें